अब जो प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूँ एथ नाइन्थ इलेवेंथ और ट्वेल्थ तो इन इंटीजर टाइप प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट होने पर चार और जीरो मार्क्स इन ऑल अदर केसेस यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें मूल कॉन्सेप्ट और सरफेस केमिस्ट्री को मिक्स कर दिया बट इस तरीके की प्रॉब्लम दो बार पहले भी पूछी जा चुकी है पहले भी पूछी जा चुकी है और वो भी नाइट्रोजन से इसमें नाइट्रोजन है क्या नहीं वो नाइट्रोजन से रिलेटेड थी काफी पहले दस साल या बारह साल हो गए होंगे तो अब जरा हम इसे डिस्कस करते हैं टू फॉर्म ए कम्प्लीट मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन वन ग्राम ऑफ चारकोल हंड्रेड एम एल ऑफ पॉइंट फाइव मोलियर एसिटिक एसिड वॉज यूज एंड सम ऑफ द समिक एसिड रिमेन अनएडजॉर्ब तो देखिए यहाँ क्या किया आपने ये लिया भाई सॉल्यूशन यहाँ आपने चारकोल ले लिया और कितना चारकोल लिया है वन ग्राम कितना चारकोल लिया है वन ग्राम टू न्यूट्रलाइज द अनएडजॉर्ब एसिटिक एसिड अब एसिटिक एसिड क्या हुआ मैं कलर चेंज कर लेता हूं जो एसिटिक एसिड है वो इसकी सरफेस पर क्या हो गया चिपक गया लेकिन सारा नहीं चिपका मुझे नहीं पता कि कितना नहीं चिपका तो वो बता रहा है कि जो नहीं चिपका उसका पता लगाने के लिए उस एसिड के लिए हमने क्या यूज किया सी एच थ्री सी ओ ओ एच एंड एन एच तो ये आपको क्या देगा सी एच थ्री माइनस एन ए प्लस और एच टू तो इसके कितने मिलीमोल यूज किए गए फोर्टी तो इसके भी फोर्टी यानी इतना एसिड वो रहा होगा जो इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब नहीं हुआ होगा चिपका नहीं होगा तो ये एसिड आपका बच गया तो चिपका कितना है देखिए आपने दे टोटल मिलीमोल कितने लिए थे इसके 50 मिलीमोल कितने लिए थे भाई 50 40 अभी भी बचे रह गए तो यानी सरफेस पे चिपके कितने हैं? 10 मिलीमोल यानी 10 मिलीमोल अगर चिपके हैं तो टोटल मॉलिक्यूल कितने चिपके हैं टोटल मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब टोटल मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब टेन मिलीमोल इसको एन से मल्टीप्लाई कर लीजिए देखिए एन ए की जो वैल्यू इन्होंने दी है कैलकुलेशन इजी करने के लिए दी गई है इट विल बी सिक्स इंटू टेन रेज टू दी पावर ट्वेंटी थ्री तो नाउ यू विल गेट सिक्स इंटू टेन रेज टू दी पावर टेन तो ये हो जाएगा माइनस टू तो ट्वेंटी वन इतने मॉलिक्यूल सरफेस पर क्या हुए एडजॉर्ब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड ऑक्यूपाइज इतने मीटर स्क्वेर सरफेस एरिया ऑन चारकोल द वैल्यू ऑफ पी तो मुझे पी की वैल्यू बतानी है गिवन दैट सरफेस एरिया ऑफ चारकोल इज दिस सरफेस एरिया ऑफ चारकोल इज दिस तो टोटल एरिया इज दिस एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर दीज तो सरफेस एर एक मतलब मैं बोल सकता हूं यूनिटरी मेथड से कि सिक्स इंटू टेन रेज टू दावर ट्वेंटी वन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू दी पावर टू मीटर स्क्वेयर पर ग्राम एक ही ग्राम दे रखा है चारकोल तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भाई वन मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई कितना ऑक्यूपाई करेगा टेन की पावर टू ओवर सिक्स इंटू टेन रेज टू दी पावर ट्वेंटी वन तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट पॉइंट टू फाइव इन टू टेन रेज टू इट विल बी पॉइंट टू फाइव इंटू टेन रेज टू दावर माइनस ट्वेंटी आई कैन राइट टू फाइव डबल जीरो इंटू टेन डेज टू दावर जरा आप इसे कीजिए माइनस नाइनटीन होगा ट्वेंटी वन तो यहीं पर है माइनस नाइनटीन तो जब आप इसे अब एक्सपेंड करेंगे टेन डेज टू दावर फोर से अगर मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कितना आंसर आ जाएगा भाई ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो आई होप नाउ यू गॉट द आंसर और कैलकुलेशन भी बहुत ईजी थी लेकिन ईजी ईजी करते हुए अब हम अगले पॉइंट पर आने वाले हैं ये वाला ये लिक्विड सॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी और फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी अब जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है मैं उसे लिखता जाता हूँ एक वैसल है वैसल वन ये रहा वैसल वन W2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट X डिजोल्व इन W1 ग्राम ऑफ वाटर और वैसल टू में भी W2 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वॉलेटाइल एंड डिजोल्ड इन W1 ग्राम ऑफ वाटर तो देखिए दोनों का जो सॉल्वेंट है वो कॉमन है के बी या के एफ की अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो वो सेम रहेगा बोथ द वैसल सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों का टेम्परेचर सेम है मोलर मास ऑफ एक्स तो मैं लिख लेता हूं ये दो वेसल हैं मोलर मास ऑफ एक्स और मोलर मास ऑफ वाई इनका रेशियो कितना है पॉइंट एट एक्स एटी परसेंट है एंड वेंट ऑफ फैक्टर तो देखिए अगर मैं आई एक्स के लिए वेंट ऑफ फैक्टर लिखूं वन पॉइंट टू टाइम्स वेंट ऑफ फैक्टर फॉर वाई ये चीजें मुझे क्लियर है जो इंफॉर्मेशन दी है तो नाउ इट सेज वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एक्स इज दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वेसल वन वन में कौन सा था एक्स और टू में कौन सा था वाई तो आई कैन राइट डेल्टा टी बी एक्स विल बी इक्वल टू आई एक्स के बी इंटू एम वन या एम एक्स और डेल्टा टी बी वाई क्या होगा आई वाई के बी इंटू एम टू तो अब यहां पर मैं दोनों चीजों को अगर डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा तो इट विल बी आई एक्स ओवर आई वाई और यहां पर एम वन तो मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखिए डब्ल्यू टू ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो डब्ल्यू टू ओवर एम एक्स और वो किस में था डब्ल्यू वन में इन टू थाउजेंड यह मैंने मोलाइलिटी का फॉर्मूला लिखा है फिर नीचे क्या लिखने वाला हूँ अगेन डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन यहाँ एम वाई इन टू थाउजेंड जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा थाउजेंड से थाउजेंड कट जाएगा डब्ल्यू वन से डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू से डब्ल्यू टू कैंसिल हो जाएगा तो नाउ आई विल गेट आई एक्स ओवर आई वाई एंड इट विल बी एम वाई ओवर एम एक्स ये सॉल्व हो गया अब मेरे पास ये दोनों ही रेशियो दिए हुए हैं देखिए ये रेशियो आई एक्स अपॉन आई वाई कितना है वन पॉइंट टू और मेरे पास एम एक्स अपन एम वाई तो एम एक्स एम वाई तो आई कैन एट तो इट बी थ्री आ गया बट यहां पर बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं और यहाँ पे क्या जल्दबाजी कर जाते हैं ये देखिए द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन वेसल वन इज इतने परसेंट percent, परसेंटेज में बताना है तो मुझे ये पता पड़ेगा कि जब मैंने डिवाइड किया तो ये वन पॉइंट फाइव इज टू वन है तो ये कितना ज़्यादा है इससे फिफ्टी परसेंट तो आपका आंसर आ जाएगा फिफ्टी परसेंट तो बताइए अब इसमें क्या था एकदम सिंपल प्रॉब्लम पेशेंस से कीजिए जो डेटा दिया है बिना घबराए उस डेटा को इस तरीके से लिखिए ताकि आप उसे बाद में न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकें चलिए अब आगे मूव करते हैं भाई अगली प्रॉब्लम ये वाली जो प्रॉब्लम थी इसमें भाई कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है गंदी है लेकिन प्रॉब्लम बड़ी आसान है इससे पहले भी रॉक डेटिंग के ऊपर प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है आई थिंक तीन साल पहले जो प्रॉब्लम थी वो इसी की थी आठ मोल ऑफ उसमें एल्फा पार्टिकल बन रहे थे <coughs> तो देखिए अ सैंपल इनिशियली कंटेन ओनली यू टू थर्टी एट तो मैं रॉक डेटिंग वाली रिएक्शन लिख लेता हूँ टू थर्टी एट टू या आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है विद द टाइम सम ऑफ द यूरेनियम डिकेज इन टू किस किसमेंट के हो रहा है पी बी टू तो ये आपको पता होता है 92 से 82 पे है आए अल्फ़ा <coughs> पार्टिकल कितने निकले होंगे बत्तीस थर्टी का डिफरेंस है तो आप लोग लिख देते हो एट एच ई फोर टू तो ये 16 घट जाएंगे तो 76 हो जाते हैं बट 82 है तो सिक्स बीटा पार्टिकल होंगे अब मैं जानता हूँ ये कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर तो टी ज़ीरो पर अगर इसके ए मोल थे तो ये सब ज़ीरो था देखिए वहाँ बोला गया है विद समाइम सम ऑफ द यूरेनियम डिकेज इन टू दिस और इनिशियली ओनली दिस वॉज प्रेजेंट तो इनिशियली मैंने सबको क्या लिया है जीरो थोड़ी देर बाद अगर मैं बोलता हूँ तो ये क्या होगा ए माइनस एक्स एक्स एट एक्स और ये तो छह बीटा पार्टिकल होंगे हालांकि बीटा पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन होता है तो मेरा इंटरेस्ट इसमें है जब हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लिखते हैं तो एल एन टी याद है केमिकल काइनेटिक्स में इस तरीके से करते थे तो ये केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है बट अंतर क्या आ जाता है हम के की जगह लेमडा लिखते हैं चलो ये इंफॉर्मेशन भी देता हूं वहां जो के होता था वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था लेमडा है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता तो वहाँ आप के निकालते थे तो लेमडा क्या होगा टी हाफ ओवर एल या टी हाफ क्या होता है नहीं उल्टा लिख दिया मैंने एक मिनट टी हाफ आपका क्या होता था एल एन टू बाय के तो लैम्बडा क्या हो जाएगा भाई एलएन टू बाय टी हाफ एक मिनट एलएन टू बाय टी हाफ अब आप ध्यान से देखिए मेरे पास एलएन टू है और टी हाफ कितना दे रखा है इसकी हाफ लाइफ दे रखी है 4.5 इनटू 10 टू दी पावर 9 यहाँ पर टी एलएन अब मेरे पास क्या दे रखा है एक्स इसका दे रखा रेशियो आ, द रेशियो ऑफ मास ऑफ Pb206 बी टू जीरो सिक्स टू दैट ऑफ यूरेनियम इस फॉर्म टू बी सेवन यानी अगर Pb का 7 ग्राम है तो मोल कितने हो जाएंगे 7 बाई टू और इसके मोल कितने हो जाएंगे 1 अपॉइंट टू तो मेरे पास a माइनस एक्स की वैल्यू है क्योंकि जो रेशियो दे रखा है यानी आप कोई भी वैल्यू लीजिए वो उसके लिए सेटिस्फाई करेगा तो a माइनस एक्स की वैल्यू है तो मैं डायरेक्टली क्या पुट कर सकता हूँ 1 अपॉइंट टू अब मुझे ऊपर क्या चाहिए ए तो ए कहाँ से आएगा तो इधर देखिए ए और एक्स की वैल्यू भी है माइनस सेवन बाय टू जीरो सिक्स टू थर्टी एट तो यहाँ से ए मेरा कितना आ जाएगा टू थर्टी एट प्लस सेवन बाय टू जीरो सिक्स करेक्ट तो इसे अगर मैं यहाँ रख देता हूँ वन अपॉन टू थर्टी एट प्लस सेवन अपॉन टू जीरो सिक्स तो ये वाला पंगा था काफ़ी बच्चों ने मतलब इवन ऐसे बच्चे हैं जिनके खुद का स्कोर 230 240 आ रहा है वो लोग भी बोल रहे थे कि सर ये कैलकुलेशन हम पे नहीं हुई काफ़ी टफ़ कैलकुलेशन थी क्योंकि जब आप अब इसे आगे मूव करेंगे 4.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन एज टू दावर नाइन इंटू टी तो इधर देखिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा एल एन से टू कट जाएगा टू इसे सेवन इंटू टू थर्टी एट करूंगा तो वन एट सेवन टू आई थिंक ये आएगा तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे वन एट सेवन टू सम तो कैंसिल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये नाइन के अराउंड होगा और फिर आपको ये कैलकुलेशन करनी थी बट घबराइए नहीं अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो देखिए जई जब भी आंसर देती है अभी आंसर कीज भी एक दो दिन में रिलीज हो जाएंगी तो जब भी वो लोग आंसर देते हैं तो वो रेंज देते हैं उन्हें आपकी कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ चेक नहीं करनी हाँ फास्ट होनी चाहिए और ठीक ठाक होनी चाहिए बट वो आपको आंसर इसका प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो हम लोगों ने किया 143.3 फोर्टी थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट ईयर्स आ रहा था तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे बढ़ते हैं भाई तो कैलकुलेशन पार्ट था अदरवाइज प्रॉब्लम में कुछ नहीं था रिपीटेटिव प्रॉब्लम थी ये भी और वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली भी तो फिजिकल इसलिए मैं रेट कर रहा हूँ कि जे एडवांस के लेवल से काफी लो थी और इससे एक चीज़ और कंक्लूड की जा सकती है कि जो कट ऑफ जाने वाली है वो इस बार रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा जाएगी लास्ट ईयर से चलिए भाई वाह भाई अब आगे अगली प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन आपने देखा पिछले पेपर में भी दो प्रॉब्लम थी कोऑर्डिनेशन टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो देखिए यहाँ सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है जैसे अगर मैं देखता हूँ पी फोर ये टेट्राइडल होता है आपको इसकी ज्योमेट्री भी पता होती है तो ये तो टैट्राइडल है फिर अगर मैं देखूं एक्स एफ फोर मैं वो ले रहा हूं अभी जो कॉम्प्लेक्स नहीं है पहले उनमें पता लगा लूं इजी होता है तो वैसे तो वो भी इजी है जो और भी दे रखे हैं तो यहां पर दो पेयर चार बॉन्ड बॉन्डपेयर तो स्कोर प्लेनर होगा तो नहीं है भैया टेट्राइडल नहीं है पीसीएल फोर बिल्कुल इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी एसपी थ्री तो ये टेट्राहेड्रल है तो दो मिल गए मुझे अब हम जरा इन पर आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे अगर मैं आईसीएल फोर को भी देखू तो सेवन होते हैं वन माइनस है तो कितना हो जाएगा एट सेवन होते हैं वन माइनस है तो कितना हो जाएगा एट और चार ने बॉन्ड बनाए तो दो लॉन् पेयर तो अगेन ये भी टेट्राहेड्रल नहीं होगा तो मेरे को अभी तक टेट्राहेड्रल कितने मिले है? दो मिले अब यहां पर देखिए ये जो आपका कंपाउंड है ये वाला ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ज़ीरो आएगी और ध्यान रखिए जीरो आने का मतलब क्या है ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है लगभग लगभग हर साल ये इसे घुमा फिरा के पूछा जा रहा है मतलब आप यहाँ सी एफ टी अप्लाई नहीं करेंगे सी एफ टी आप तभी अप्लाई करते हो वेन यू कंसिडर लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम एज ए पॉइंट चार्ज तो यहाँ है ही नहीं न्यूट्रल है तो अगर इन सिनेरियोज में नहीं है तो हम इनको सिंपल हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो इसकी कॉन्फिग्रेशन क्या होती है भाई कोबाल्ट की 4s2 3d7 तो आपको याद होगा ये रहा 4s2 नहीं यहां पे बना लेता हूं एक में पहले 3d7 बना लेता हूं और फिर क्या बना लेता हूं 4s2 एंड देन 4p तो अब यहां पर क्या होगा ये कैसा लीगेंड है ये सी एन स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड और चार स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो दे विल फोर्स दीज इलेक्ट्रॉन्स टू कम ओवर है और आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी एस पी थ्री तो मुझे ये भी मिल गया भाई ये भी मिल गया कितने हो गए एक दो और यहाँ पर भी आप देखिए न्यूट्रल है सेम फंडा तो ये भी मिल गया एक दो तीन अब मुझे ये और चेक करने ये और ये तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूंगा कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज प्लस वन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s1 और 3d10 क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s1 और 3d10 और ये कैसा लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है भाई स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड एंड से देखिए सी कैसा है मैंने अभी अभी यहाँ पर भी बताया था सी आपका कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो अगर ये स्ट्रोंग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर क्या होगा स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग भी क्या होगी लार्ज होगी और देयर विल बी ट्रांसफरेंस क्या होगा भाई देयर विल बी ट्रांसफरेंस क्योंकि वो कंडीशन को अब ट्रांसफरेंस करके भेजेगा कहाँ फंस गई गाड़ी तो इसे आप कैसे करोगे स्ट्रोंग फील्डेंड है चलिए तो यहां पर कॉपर की कॉन्फिग्रेशन क्या होती है फोर एस वन थ्री डी टेन जब मैंने कहा सी यू प्लस तो फोर एस ये मैंने कॉपर की लिखी प्लस वन जब आप लिखोगे सी यू प्लस तो ये क्या हो जाएगा थ्री डी टेन तो आपका कॉपर खाली हो गया तो ऑलरेडी आपको पता है ट्रांसफरेंस वगैरह की भी जरूरत यहाँ पे एस सच आपको भी कुछ भी वो जब चीज़ें हम देखते जब फोर एस टू या वन होता ट्रांसफरेंस वहीं से वहीं तो होगा तो भैया ये भी मुझे मिल गया और ये देखो ये तो हर टीचर के आपको क्लास नोट्स में भी मिल जाएगा ये बड़े कॉमन एग्जाम्पल हैं कि ये ले लिया जाता है समझाने के लिए और एक ये ले लिया जाता है तो उसमें ये बताया भी जाता है क्या बताया जाता है कि जो डी uh, की फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है सेकेंड होती है और थर्ड होती है तो जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव हाँ स्प्लिटिंग क्या होती है हाई होती है स्प्लिटिंग हाई होती है तो भैया ये मान के चलिए तो ये तो आपका डी एस पी टू होगा तो भैया स्क्वेयर प्लेनर होगा और हम यहीं पर समझाते हैं कि हाँ ऐसा नहीं होगा तो आपके कौन कौन से आंसर हो गए वन टू थ्री फोर एंड फाइव आई होप नाउ यू गॉट योर आंसर चलिए भाई आगे बढ़ते हैं तो जो सीयू सी ना वहां तो एस खाली हो गया चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं तो ये वाला आपका आंसर नहीं है तो इसे हटा देना वन टू थ्री फोर एंड फाइव We'll go with integer type. Uh, इसमें दो थे हमारे पास क्वेश्चन टेन एंड क्वेश्चन स्ट्रांड है एक डी एन ए का ठीक है और uh, इसमें ओकाजा की फ्रेगमेंट्स भी आ जाते हैं तो एडीनिन और थान के बीच में uh, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स देर विल बी टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स और गुअनिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स uh, होंगे अब यहाँ से जो नेक्स्ट ऊपर की जो स्ट्रैंड आएगा फोर के अक्रॉस वो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम जाएगा सो so इसका बेस पेयर बनेगा थाइमिन के साथ इसका साइटोसिन के साथ इसका एडिनिन के साथ तो लेट्स जस्ट काउंट कि हमारे ऐसे बेस पेयर्स कितने बन रहे हैं एडिनिन थाइमिन के काउंट कर लेते हैं एक यहाँ पे दो यहाँ पे तीन यहाँ पे चार यहाँ पे पाँच यहाँ पे छः और यहाँ पे सात तो जो एटी के जो पेयर वो सात हैं। अब ये टोटल कितने यहां पे जी सी का एक ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा और यहां ये यह छठा तो इसके जो पेयर्स बनेंगे वो दे टोटल ऑफ सिक्स पेयर्स बनेंगे अब एवरेज एनर्जी पर हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखी है, तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख लेते टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन एटी पेयरिंग बी इक्वल टू सेवन पेयर है इसमें दूसरे स्टैंड के साथ लीडिंग स्टैंड और लेगिंग स्टैंड के बीच में जो फोर बन रहे होते हैं सेवन मल्टीप्लाइड बाई टू दैट इज फोर्टीन और इसमें टोटल एनर्जी जो होगी दैट विल बी उन्होंने बोला है ए टी बेस पेयर के लिए वन किलो कैलरी तो फोर्टीन मल्टीप्लाइड बाई वन दैट इज फोर्टीन कैलरी टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन जी सी पेरिंग तीन होते हैं पर जीसी पेर में तो ये सिक्स है तो सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थ्री दिस विल बी एटीन और इसमें जो एनर्जी है वो वन पॉइंट फाइव किलो कैलोरी विच इज थ्री बाई टू और ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन तो उन्होंने बोला है कि जो टोटल अमाउंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल डबल डीएनए स्ट्रैंड उसकी स्प्लिटिंग में कितनी एनर्जी लगती है तो ये टोटल इसका आप कर लो तो टोटल आ जाएगा आपका 41 किलो कैलोरी विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी और यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा मुश्किल नहीं है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बस हमें यह पता होना चाहिए कि डीएनए की जो स्ट्रेंडिंग है वो किस तरीके से होती है ठीक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला सी सिक्स एच सिक्स सी सिक्स एच सिक्स अगर वहीं पर ही है

फॉर्म करता है यह इनऑल फॉर्म जो है एंड डॉट हैोलिकर बॉन्डिंग आपको पता है, वो अगर पे है तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग भी नहीं होगी कंपाउंड पी विद विद्री इक्वलेंट ऑफ एनएलट एनएच टू एच तो ही जाएंगे इसमें क्योंकि तीन जगह पे कीटोन है तो यह प्राइ ऑक्साइम of to to produce Q, uh, Q, this is going to be the Q. this is is going going be the to be टू compound P. Treatment of P with excess methyl iodide in the presence of KOH, तो आप इसमें अगर थोड़ा सा नोट ना, मैं एक टर्मिनल पे करके दिखा देता हूं फिर उसको तीनों टर्मिनल पे हम एक्स्ट्रा कर लेंगे यहां से ओ एच माइनस आइन ले आप रिमूवल कीजिए और फिर इसका इसकी मिथालेशन करो एस एंड टू से ऐसे और जितने हाइड्रोजन है उन सबके ऊपर करो तो यहां पे एक और हाइड्रोजन है फिर यहां दो है फिर यहां दो है अब सबके ऊपर अगर, अगर आप मिथालेशन करोगे तो ये आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा जो एक्सेस मिथालाउडेड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस गिव्स यू कंपाउंड आर सो दिस इज गोइंग टू बी यर कंपाउंड आर रिएक्शन ऑफ आर विद एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सो ये है इसमें उपर, आप इसमें कीटोन के ऊपर आप आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज करें तो मैं एक जगह पे भी आपको करके अगर दिखा देता हूं इस वाले लोकेशन पे करके दिखा देता हूं तो आप इसमें देख लो कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स कितने रहते हैं एक जगह पे काउंट कर लेंगे उसको मल्टीप्लाई बाई थ्री कर लेंगे तो आई फोर मिथाइल ग्रुप्स ऑन दिस लोकेशन उसके बाद जो ये वाला कीटोन है इस पे भी आप करोगे इस पे भी चार आएंगे फिर ये वाला कीटोन है इस पे भी करोगे और इस पर भी चार आएंगे सो फोर थ्रीज आर टोटल मिथाल ग्रुप्स विल बी इक्वल टू ट्वेल्व एक लोकेशन पे कर लो और फिर बाकी दो लोकेशन पर तो सिमिलर मिथालेशन ही होनी है तो उसमें टोटल जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ मिथाल इन दिस कंपाउंड विल बी ट्वेल्व तो यहां पे आपका आंसर बारह आ जाएगा जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वैसे कुछ नहीं बड़े कन्वेंशनल नॉर्मल जनरल रिएक्शन हैं इनमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है